नमस्कार, मैं हूँ पूरन उपाध्याय। आज विजयदशमी का दिन है, दशहरे का दिन है। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका घर खुशियों से भरा रहे। आज श्रीमती बिमला जी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो अभी थोड़ी देर में मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो कैंप में है, उनको कल कुछ तकलीफ हो गई थी तो उनको भर्ती कराना पड़ा था आसाना की। तो इस चक्कर में अभी दो तीन दिन से फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो इस चक्कर में दो रात तो मैं भी रहा, एक रात सन्नी भी रहा, और इस रात का देखते हैं क्या होगा। डिस्चार्ज वो कब होंगे अभी कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल वाले कब डिस्चार्ज करते हैं। पहले चिकनगुनिया के उनको डर लग रहा था, हम उस चक्कर में गए थे कि डेंगू और चिकनगुनिया आजकल काफ़ी फैल रहा है पानी की वजह से। लेकिन अभी रिपोर्ट में आया कि डेंगू और चिकनगुनिया नहीं है, और उनको टाइफाइड की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, तो डॉक्टर उनका टाइफाइड से इलाज कर रहे हैं। तो पूरा घर अस्त व्यस्त है। पमुदिशी दो दिन से घर को चला रहे हैं, तो इनकी मेहनत है। और अभी भी जो है घर में खाना पीना भी ऐसे ही चल रहा है। पहले दो दिन ऐसे जैसे तैसे काटने पड़े, पेशेंट को इधर हॉस्पिटल से मिल ही रहा था, लेकिन बाकी लोगों का काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी ये बच्चे ही घर संभाल रहे हैं दोनों। पिछले तीन दिन से इनका भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, कभी सुख कभी दुख, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आता रहता है। तो अभी भी जो है यहाँ पे हम, अभी दोपहर हो रही है, विजयदशमी का दिन है, तो अभी भी सन्नी वहीं है मम्मी के साथ, और अब मैं जा रहा हूँ ताकि मैं सन्नी को घर भेज सकूँ। फिर कल रात वही था, मैं सीधे यहाँ आ गया था घर पर बच्चे भी देखने के, और अभी जो है मैं सन्नी को रिलीज करूँगा, मैं रहूँगा उनके साथ, पेशेंट के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिन में अब क्या खाना बनाया जाए, तो अभी हमने सोचा कि दिन में पुलाव बना लें, तो कुछ हम लोग भी खा लें, और कुछ जो है सन्नी के लिए भी वहीं हॉस्पिटल में ले जाएं। जब मैं पहुँचूँगा तो दोपहर के साइड एक दो बज जाएंगे, तो उस वक्त तक पुलाव की तैयारी हो रही है। सुबह भी हल्का फुल्का नाश्ता किया था, तो पुलाव का आपको कुछ भी दिखा देते हैं। पुलाव के लिए हमें बहुत मेहनत लग रही है, तो अभी पुलाव की तैयारी हो रही है। दूसरी ने कुछ यहाँ पे टमाटर लिए हुए, तीन टमाटर, चार प्याज और कुछ आलू, बीन्स और इनको लेके पुलाव की तैयारी किशु जी कर रही है। ये चावल भी निकाल रखे हैं, तो अभी चावल से और इनसे पुलाव की तैयारी होगी। सुबह कॉफ़ी पी थी, ब्रेड और कॉफ़ी, दूध भी ये पूरा पतीला भरा ही हुआ है। सन्नी ज़्यादा दूध पीता है, लेकिन अभी सन्नी वहीं है, कल रात भी वहीं था, तो अभी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो रही है, दूध भी बच रहा है, और कुछ खाने पीने का मन सा भी नहीं कर रहा है। आलू तो कट गए हैं, अब बीन्स कट रही हैं, टमाटर प्याज भी हो गए हैं पुलाव के लिए। ये पुलाव लेके खुद खा के जाएंगे, और वहाँ सन्नी के लिए और मम्मी के लिए लेके भी जाएंगे। तेल रखे अच्छा, लहसुन एंड करी पत्ता दो इधर, मैं पकड़ लूँ। Thank you.
प्याज भी डाल दिए। प्याज को लाल होने तक कुकर में हिलाते रहना। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, और आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच मिर्च, हरी मिर्च के दाने, हरी मिर्च कटी, सब्जी डालनी नहीं, पकने देना। पक गया हो? चावल डालने या ये सब्जी? सब्जी डालते हैं पहले। अच्छे से मिक्स, सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद चावल डालेंगे। चावल हमने पतीली में पहले से धो के रखे हुए थे, अब चावलों को भी डालेंगे। चावल डालने से चावलों को पानी से धीरे धीरे छान के आराम से उसमें डालना है। पानी पतीले में ही रहेगा, कुकर में सिर्फ साफ चावल डाले जाएंगे। सारा मैंने मिक्सिंग कर दिया है, थोड़ी देर पकने देना है इसे। अच्छा, फिर पानी, फिर पानी और ढक्कन ना। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक गिलास और। पानी भी खत्म हो गया है मेरा, इतना ही रह गया, बहुत है ये ढक्कन। ठीक है, यही ढक्कन था ना। अब इसको पकने देते हैं, अब उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। यह बढ़ता बढ़ना और हॉस्पिटल के टाइम में तो यही बन जाए, वही गनीमत है जो भी बन जाए। हमसे बहुत आज सुबह मॉर्निंग में काफ़ी कॉफ़ी बनाई हुई थी, तो अभी एक कप कॉफ़ी बची हुई है, तो इस बीच में हमने कॉफ़ी पी ली है। तो जी हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और अब इसका आनंद लिया जाए। थोड़ा गीला हो गया है, ये हम घी डाला हुआ है, थोड़ा सा गीला सा भी लग रहा है। ऑल इज वेल डेड एंड ज्वेल, काफ़ी स्वाद है ये बनाई हुई, तो ठीक लगती है, गुड, ठीक है। होने होने वीडियो भी हमारी वो आ रही है ना, उसमें तोता पिंजरे पे चढ़ गया था, वो भी आज ही रिलीज हुई है 15 तारीख को। हमारी पैरट तोता पिंजरे पे चढ़ गया था, वो वीडियो भी यूट्यूब पे वो भी आ रही है। और हम अभी के पुलाव तैयार है, इसमें दिशु ने मेरी बहुत हेल्प की पुलाव बनाने में, तो अभी तो मैं खा रहा हूँ और इसके बाद खा के मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा जहाँ विमला जी भर्ती है, वहाँ संजय को भी पुलाव देना है, क्योंकि
वहाँ पे सिर्फ पेशेंट को खाना मिलता है, तो जो केयर टेकर है उसके लिए तो घर से खाना ले जाना पड़ता है। तो अभी मैं बाकी जो रहा हुआ पैक करके उसके लिए भी ले जाता हूँ, कोई और चीज़ें भी मंगाई हुई तो भी ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर आराम देते हैं, तो हमारे दुआ करना कि जल्द से जल्दी बीमला जी ठीक हों और घर पर आ जाएँ। आपकी दुआओं की, आपके आशीर्वाद की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।